खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खंडवा जिले अंतर्गत आने वाले विकास खंड पंथाना के सिंगौट बेल्ट में आने वाले अधिकांश ग्रामों के हजारों की संख्या में ग्रामीणों द्वारा लगभग 500 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर सबसे पहले खंडवा अनाज मंडी में एकत्रित हुए। यहां से फिर रैली के रूप में अपने वाहनों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा खंडवा लोकसभा से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बैतूल जिले की मैसदेही तहसील के गांव में चिल्लूर में प्रस्तावित ताप्ती चिल्लूर परियोजना को जल्द ही शुरू कराया जाए, क्योंकि पंथाना तहसील अंतर्गत आने वाले गांव जिसमें भगवानपुरा, सिंगौट, पिपलौद, गुड़ी, रिजर्वन, राजगढ़, गांधवा, नहारमाल जैसे कई गांव के ग्रामवासियों का जीवन केवल कृषि कार्य और मजदूरी पर ही आधारित है, क्योंकि यहाँ पानी के अभाव में किसी प्रकार के कल कारखाने नहीं होने से सबसे बड़ा कारण है। यहाँ के युवाओं को खेती करने पर मजबूर होना पड़ता है, लेकिन उसमें भी अब पिछले वर्षों से अल्प वर्षा होने के बावजूद भी उसे अपनी कड़ी मेहनत का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर प्रस्तावित योजना शीघ्र प्रारंभ होती है तो क्षेत्र के किसानों के खेत के अधिक मात्रा में सिंचित होकर यहाँ रकबा बढ़ने के साथ पीने के पानी समाधान भी होगा। इस योजना से खंडवा जिले के खालवा तहसील की 27,740 हेक्टेयर, पंथाना तहसील की 28,708 हेक्टेयर और खंडवा तहसील की 33,192 कृषि भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त परियोजना से प्रभावित होने वाली 1100 हेक्टेयर वन भूमि में से अन्य जगह इतनी ही भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना है, जिसमें से प्रशासन द्वारा 900 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली गई है। शेष 200 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रयास जारी है। वहीं प्रशासन शासन ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि प्रस्तावित योजना में 14 गांव प्रभावित हैं, जिन्हें उचित कार्यवाही कर विस्थापित कर योजना को शीघ्र शुरू करने की मांग की गई है। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को यह भी विश्वास दिलाया कि वह भी अपने खेतों की मेड़ों पर और शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण करेंगे, ताकि हरियाली बनी रहे। साथ ही साथ जिले की खंडवा, खालवा, पंथाना के किसानों सहित आम नागरिक भी भविष्य में लाभान्वित होंगे। हमारी मौजूदा सरकार से यही मांग है कि जो नहर है ताप्ती चिल्लूर परियोजना, उसके लिए जल्द से जल्द स्वीकृति दे। पिछले 10 वर्षों से कोई भी सरकार ने हमारी तरफ नहीं देखा है, और हमें ना कोई राज्य सरकार से बेर है ना कोई केंद्र सरकार से। हम दोनों के साथ में बस हमारी मांग को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। हमारे द्वारा ये आंदोलन पिछले 16 दिन पहले चालू किया गया, एवं इसकी हमारे पास DPR वगैरह फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी है, जिसमें उपयुक्त टीम है जिसने इसके ऊपर पूरे स्टडी की हुई है। और हमारी प्रशासन से यही है कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाए, ऐसा तो हम लोगों की ये उम्मीद है कि प्रशासन हमारी जरूर सुनेगी, और अगर नहीं सुना जाता है तो हम ये आंदोलन को इसी तरह जारी रखेंगे। प्रदेश स्तर पर भी हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। इसके बाद हम भोपाल भी जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम दिल्ली भी जाएंगे। मेरा नाम नहर सैनिक सर्वोदय पाटीदार। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा और सिटी रिपोर्टर मनीष भलराय के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।